भाई हमने अभी खेत में ट्रैक्टर चालू किया है और इतना खेत की जुताई हो चुकी है। पीछे भी देख सकते हो लंबाई आप खेत की और फ्रंट की हवा देख सकते हो भाई, दो महीने तक आप फ्रंट की हवा देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और अपनी ये लाइट और खेत भी देख सकते हैं आप, इतना भी कड़क नहीं है। और आप देख सकते आरपीएम देख सकते हो कम से कम 1200-1300 पे है। और आपने ट्रैक्टर के कितने घंटे हो चुके हैं मैं आपको बताता हूँ, 548 घंटे हो चुके हैं। और ये खेत बहुत ही नरम है, मक्का का खेत है भाई, ये देख सकते हैं मक्का और ऊपर वाला गेहूँ का है, ये भी मक्का का है, ये साइड ये गेहूँ का है। और आप जुताई देख सकते हो, बस भाइयों अभी मेरे चाची जी चलाने के लिए बैठे और मैं आपको बताता हूँ, वो खेत और ऊपर वाला खेत हो चुका है और इस खेत में मैं पूरा दिखाता हूँ ये खेत आपको। और इस खेत में और उस खेत में प्लाउ हो रहा है और हम अभी
जो आपका गेहूं का खेत दिखा रहा है ना, मैं दिखाता हूँ भाई, ये देख सकते हो आप, गेहूं का खेत हो। उस खेत में भी प्लाव चलाएंगे, पहले हम अभी इसको सीधा करेंगे, इधर से उस बोर्ड पे सीधा करेंगे, इंडियन ऑयल इस बोर्ड पे सीधा करेंगे। पहले हम इधर ही चलाते हैं और फिर सीधा करेंगे भाइयों, जब सीधा होगा तब हो जाएगा पूरा ये खेत। और उसके बाद विश्व कुएँ के बाद वो भी खेत है, वो भी निकलना है। और भाइयों ट्रैक्टर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रहा है। और इस खेत में ये काली मिट्टी है भाइयों, इस खेत में एक थर्ड गियर में ट्रैक्टर चल रहा है, इस खेत में एक थर्ड गियर में ये मिट्टी दे सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ भाइयों, पहले आप तो प्लाव की पलटी देखो कितनी शानदार तरीके से, ये देख सकते हो भाइयों कितनी शानदार तरीके से प्लाव की पलटी हो चुकी है। और जब हम अपने घर के खेत में जो प्लाव चलाते वही खेत हम बाहर के खेत में भी चलाते हैं, किराए पे चलते वैसे ही घर चलाते हैं, और घर पे जैसे ट्रैक्टर चलाते वैसे ही किराए पे चलाते। हम भी किसान है भाइयों, हम भी खेती बाड़ी करते हैं, और जब हम किराए पे करते वो भी खेती बाड़ी करते हैं। ये देख सकते हो भाइयों प्लाव की पलटी कितनी सीधी तरीके से, किधर भी ऊंचा नीचा नहीं है। और इस खेत में ट्रैक्टर हाई के पहले गियर में चला, और उस खेत में लो का थर्ड डालना पड़ता है, और इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा चल जाता है हाई के पहले गियर में। ऐसी कुछ स्थिति है भाइयों इधर की। भाई ये देख सकते हो आप गहराई, और ट्रैक्टर स्लिपेज नहीं मार रहा है। आपको मैं स्लिपेज भी दिखाता हूँ भाइयों, कुछ स्लिपेज आप इस नक्शे से पता कर सकते हो भाइयों, स्लिपेज मारता ही नहीं। ये देख सकते हो ये नक्शे भाइयों, इस मिट्टी भुरभुरी है। और प्लाव भी देख सकते हो, प्लाव की पहले गहराई देखो भाइयों, और ट्रैक्टर स्लिपेज का प्रॉब्लम ही नहीं लेता भाई, ये देख सकते। और ट्रैक्टर बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, भाइयों अभी इतना खेत हो चुका है ये, और ये भी हो चुका है, और ये भी आसपास हो चुका है, थोड़ा ही बचा है। और उस साइड के दो खेत बाकी है, और उस के पीछे दो खेत ये खेत बाकी सिर्फ। और भाइयों हमने 3 बजे से ट्रैक्टर चालू किया था, और अभी कितने बजे है मैं देखता हूँ भैया, अभी 2 मिनट, अभी 7 बजे है, मुझे 2, 4, 5, 6, 7 कम से कम 4 घंटे ट्रैक्टर चला भाइयों। और मेरे हिसाब से अभी कितना खेत हो चुका है ये बीघा, और ये
तीन चार बीघा की थोड़ा सा कम खेत हो गया है। और ये देख सकते, ये एक बीघा और दो खेत, एक बीघा नहीं आएगा, थोड़ी सी कम भरेगी और उसमें ये ऐड करेंगे, ये भी एक बीघा नहीं आएगा, थोड़ा कम भरे। और ये मेरे सब 3-3.5 बीघे हो चुके हैं और ये खेत इतना बचा है। और भाइयों, ये खेत, ये भी खेत हाय के पहले घेर में निकला और वो भी पहले में निकला हाय के, और उस साइड का भी और इस साइड, ये खेत देख सकते हैं आप इधर का, इस साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लो थोड़ा लगाना पड़ा। और ये खेत भी हाय के पहले घेर में, आज टेक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और अपने प्लाव ने भी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिया। और आप ये लाइट देख सकते हो भाइयों, कितनी शानदार है। अभी शाम हो चुकी है, अंधेरा नहीं हो चुका, जब अंधेरा होगा तो बहुत ही शानदार लगेगी ये लाइट। और आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूँ और सुबह हम वो दो खेत निकालेंगे और ये एक इधर छोटा सा है वो निकालेंगे भाइयों। और आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। जय जवान जय किसान।